शर्मिंदगी और क्या हो सकती है? माना, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती वेटर का काम करते हुए? अपना नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत को ख्याल करता। आई छोड़ ना, तू खामखा क्यों टेंशन ले रही है? आई, अरे जिसकी जितनी औकात है उसे उतना ही मिलेगा ना। उसने बहुत कोशिश की होगी लेकिन उसको उसकी औकात के लायक काम मिल गया ना। टेंशन कर रही है? मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ पर क्यों चला आया? अपनी जबान को काबू में रखिए भाई। पहनी बिल्कुल सही कह रही है। जब इसे पता था कि हमारी पार्टी यहाँ पर चल रही है तो इस लिबास में आने की क्या जरूरत थी? ये साबित क्या करना चाहता है? हा? या फिर ये हमें नीचा दिखाने के लिए सारे नाटक कर रहा है? कि तुम लोग क्या कह रहे हो? हमारे ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। उनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि मानव कहीं ना कहीं वेटर का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें कुछ भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। अगर तुम लोगों को इसमें शर्म आ रही तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एक मिनट भाई, तू इस बारे में कुछ बोल ही मत, क्योंकि तेरा पति चाहे जो भी करे तेरे लिए तो पूजा के काबिल ही है। भाई, उसने आज तक कभी किसी को सुख तो दिया नहीं लेकिन किसी की खुशियां तो इस तरह से ना छीने। ये बिल्कुल झूठ है। मानव ऐसे इंसान ही नहीं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी वजह से कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही तो वो खुद ही वहां से चले जाएंगे। वो क्यों सतीश जी के आकर ऐसा तमाशा करेगी? ये सब बोल के तू क्या जताना चाहती है? बड़ी पतिव्रता है? अरे ये मेरा बेटा मानव कैसे था, आज तेरी वजह से ये लोगों की जूठन उठा रहा है। पूरा बर्बाद करके रख दिया है तूने। आई लेकिन चुप। आई मत बोल मुझे। तेरी वजह से मेरा बेटा पूरा बर्बाद हो गया है। बस कर, तेरा इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। वेटर बनने का फैसला मेरा खुद का है, अर्चना का नहीं। इसलिए जो करना है मुझे क्या? तू तो अपनी बीवी की वकालत करने का एक भी चांस छोड़ता नहीं है और इसी की वजह से ये लिबास चढ़ा के तू यहाँ खड़ा है। तो इसमें गलत क्या है? दुनिया में एक इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, उसके कपड़ों से नहीं। और आपके बेटे का दिल सोने का है। जी हाँ माँ जी, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में मानव जैसा इंसान नहीं देखा। ठीक से 10-12 घंटे भी नहीं हुए हम एक दूसरे को पहचाने हुए, लेकिन उसने मेरी वो मदद की है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। जो इंसान दूसरों के सुख दुख में इतना जल्दी जुड़ जाता हूँ वो बुरा कैसे हो सकता है? अच्छे इंसान बड़े मुश्किल से मिलते हैं और अक्सर अच्छे इंसानों की कीमत दुनिया को बड़ी देर से पता चलती है, और शायद इसीलिए आप लोग मानव को पहचानने में इतनी देर लगा रहे हैं। मानव आप सब लोगों का रिश्तेदार है, ये आप लोगों की खुशकिस्मती है। सच्ची, ये इंसान इंसानियत जानता है, प्यार करना जानता है। बिल्कुल सही कहा तुमने मोना, बल्कि मैं तो आप सबसे यही कहती हूँ कि आप लोग जितना मानव से प्यार करेंगे ना वो आप लोगों से दुगना प्यार करेगा। मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह नहीं जानता लेकिन आप सबसे विनती है कि मानव को अपनी जिंदगी से बाहर मत निकालिए वरना बहुत पछताएंगे आप। मानव तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। अरे जो इंसान प्यार करना चाहता है प्यार में मरना।
और मैं चाहता हूँ कि ये बातें अभी यहीं पर बंद हो जाएं। हम खुशियां मनाने हैं, खुशियों का माहौल है तो उसे खुशियों के साथ मनाएं। मैं चाहता था कि मानो यहाँ पर आए, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अभी मैं केक काटने जा रहा हूँ, अपनी खुशियां आप सबके साथ में बांटने जा रहा हूँ। हाँ, अगर कोई इंसान यहाँ पर शामिल होना नहीं चाहता वो जा सकता है। आई वॉन्ट माइंड। हाँ वर्षा, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? आप कहीं पर वेटर का काम कर? अच्छा, मैं तुम्हें बताना चाहता था और यकीन मानो बताने भी आया था, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा। और कैसे सोचा आपने माना? अब मुझे नहीं जानते क्या? आपने ऐसे कैसे सोचा कि मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा लगेगा? हाँ मुझे तकलीफ हुई है, लेकिन इस बात की तकलीफ नहीं हुई कि आप कहीं वेटर का काम कर। मुझे तकलीफ इस बात की कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अर्चना मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ मानव कि आपका कोई भी फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि आप अपनी मेहनत से ईमानदारी से पैसे कमाएं। आपको इतनी बातें मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्चना, I'm sorry। आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। आप जानते हैं ना, आप जब भी मुझसे सॉरी कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। वैशु, We'll be right back.
अपना मोबाइल कहाँ पे छोड़ के गई है तू? तुझे पता है धर्मेश कब से तेरा मोबाइल ट्राई कर रहा है? आखिर थक कर बार बार मेरे मोबाइल पर कॉल कर रहा है। ले, उसी का फोन है, ये ले, बात कर उससे। हेलो हेलो वैशु, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। अरे धर्मेश, वो मैं वॉशरूम चली गई थी इसीलिए। तुम कहाँ हो? मैं बैंगलोर में हूँ। कहा तो था तुमसे, भूल गई? नहीं, याद था मुझे। मुझे ऐसे लगा कुछ मिरेकल हो जाए और तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। मैं यहाँ पे धानी रेस्टोरेंट में तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। धानी विलेज? हाँ, वही तो पार्टी दी है सतीश जीजू ने। अच्छा, वहाँ पे सब ठीक है ना? मैं कल वापस आ रहा हूँ। यू टेक केयर। हाँ, आई एम मिसिंग। बाय बाय। चलता है, चल इधर से चलते हैं। हाँ, वैशु, वैशु यहाँ इसी होटल में। सतीश ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी यहीं अरेंज की। मेरी पूरी फैमिली यहीं पर। और वैशु को शायद किसी बात को लेकर शक भी हो गया था, इसलिए वो यहाँ हमारे कमरे तक पहुँच गई थी। बड़ी बड़ी मुश्किल से जान छूटी है मेरी। प्रवीण सुहास, चलो टेबल क्लीन कर लो। आनो, रुको। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि मैं सतीश जी का रिश्तेदार हूं। सर, मुझे ये काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं, और मैंने इसके पैसे लिए मैं ये काम करूंगा। सर मानव, आप ये काम नहीं करेंगे। मैं हूं ना, मैं करूंगी। यस, तुम क्यों करोगे? तुमने अभी कहा ना कि मैं चाहे कुछ भी करूं तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अब अभी बुरा क्यों लग रहा है? अच्छा, इन लोगों की वजह से। मैं यहाँ पे वेटर की नौकरी कर रहा हूँ तो इनके शान में कमी आती है, इसकी वजह से। नहीं अष्ट, हमें इनके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि चाहे हम कुछ भी कर लें ये कभी खुश नहीं रहेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा था तो मुझे निकम्मा कह दिया, मुझे चोर भी कह दिया। आज मैं जब ईमानदारी से काम कर रहा हूं तो मुझे वेटर कह रहे हैं, मुंह बना रहे। अच्छा, मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना है और इतनी मेहनत करनी है कि तुम्हारे सारे सपने पूरा कर सकूं। बच्चों, चलिए यहां से। देखो कैसे दिन आ गए, वेटर भी चार बातें सुनाने लगे। चल अर्जुन। बेटा, तू हमारे साथ आ रही है ना? नहीं आई, मैं मानव के साथ आऊंगी। मेरे पति कहीं वेटर की नौकरी करते हैं, इसकी वजह से उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे अच्छा है कि मैं उन लोगों के साथ ना आऊं। मैं मानव के साथ आऊंगी।
कैसे कैसे रिश्तेदार है तेरे? मुझे बड़ा गर्व है कि मैं मानव जैसे इंसान के साथ में जुड़ा हूं। तुम्हें भी होना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ काम करता है। मानव जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। आई एम प्राउड ऑफ यू। यार बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। क्या मजा आ गया? अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, मानव ने आकर सब कुछ तबाह कर दिया। क्यों? और नहीं तो क्या, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मानव जानबूझकर वहां पर आया और सब कुछ बिगाड़ दिया। जानबूझकर? और शब, मानव को मालूम भी नहीं था कि हम यहाँ पर पार्टी करने वाले। ठीक है, इत्तेफाक से ऐसा हो गया। अच्छा सतीश, तुम इन बातों पर विश्वास कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। मुझे एक बात बताओ, वो वहाँ पर काम करता है और हमारी पार्टी की तैयारियां कल से शुरू है, तुम्हें नहीं लगता क्या उसे इतना भी नहीं पता होगा कि पार्टी किसकी है? वो चाहता ना तो छुट्टी भी ले सकता था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। वो जानबूझकर वहां पर आया हमें नीचा दिखाने के लिए। पल भर के लिए हम मान लेते हैं कि मानव की वजह से हमारी पार्टी खराब हुई, लेकिन कितनी देर? आधे घंटे। उससे पहले हमने एंजॉय किया ना, तो जो समय हमने एंजॉय किया उसे याद रखो वर्षा, जो खराब हुआ है उसे याद करके क्या फायदा, ये बताओ। लेकिन सतीश ऐसा नहीं होता। पता है वर्षा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यार इंसान जिंदगी में खुशियों के बहाने ढूंढता है, तुम गम के ढूंढती हो। यार जिंदगी में खुश रहो, मस्त रहो, यही जिंदगी है। कुछ नहीं, ये एनवलप कहाँ से था? अरे ये पार्टी में तुम्हारी जेब से गिरा था, मैंने अपने पास रख लिया। नहीं क्यों, क्या है उसमें? कुछ नहीं, कुछ ऑफिस के पेपर्स हैं। मानो ये लो, तुम्हारा आज का मेहनत आना। थैंक यू सर। अच्छा ये देखो, मेरे ओवर टाइम के 1000 रुपए, ये तुम रखो और अपने खर्चे के लिए यूज कर। अच्छा ऐसे ही मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ और तुम्हारे हर सपने को पूरा करना चाहता हूँ, और यकीन मानो मैं जानबूझ के तुम्हें तुम्हारी बहनों के सामने नीचा। प्लीज इतना मत सोचिए उनके बारे में, मैं आपके हर फैसले में, आपके हर सफर में आपके साथ हूँ।